स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 का सर्कल चैप्टर की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने सारे एक एक वीडियो में एक ही एक क्वेश्चन किया और अब तक के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं यहाँ तक के, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और प्ले लिस्ट में सारे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर के, ठीक है। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन 7 में, इफ़ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स। क्या बोल रहा है कि जो डायगोनल्स हैं इसमें, ये देखा आप फिगर देखो, ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल्स हैं, ठीक है। ये बोल रहा है ये जो डायगोनल्स हैं ये क्या है, डायमीटर्स हैं, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझना। उसने बोला है क्या है डायगोनल्स को, डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। और हमें प्रूव क्या करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर मैं आपको रफली एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँ तो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर, और यहाँ से मैं एक लाइन बना दूँ तो क्या हो गया, ये इसका डायमीटर हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक लाइन मैं इधर से बना दूँ तो ये भी क्या हो गया, डायमीटर हो गया, है ना। और ये एक दूसरे को काट रहे हैं। अब इनको जब मैं ऐसे मिला दे रही हूँ, ऐसे मिला दे रही हूँ, तो मुझे क्या मिल जा रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको मुझे प्रूव करना है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये समझो कि जब हम सर्कल में इसको सेंटर से होते हुए लाइन जा रही है, कॉर्ड जा रही है, हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड इसको हम बोलते हैं, तो ये क्या कर रही है, सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। मतलब ये क्या बन गया, एक सेमी सर्कल। फिर मैंने क्या करा, इधर से दूसरा बनाया, तो ये भी क्या हो गया, सेमी सर्कल, ठीक है। क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा उसी पे बेस्ड होगा। देखो मैं शुरू करती हूँ, ए सी, ये आपको दिखाई दे रहा है, ए सी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो एंगल ए डी सी, इस एंगल की बात कर रही हूँ मैं, एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। और ये भी, ये वाला एंगल, एंगल ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल, एंगल ए बी सी, ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना, ठीक है। यहाँ पे मैं एंड लगा देती हूँ, ठीक। अब इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, रीज़न। तो रीज़न है एंगल इन ए सेमी सर्कल, ठीक है, इज अ राइट एंगल। क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री राइट एंगल, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी, ठीक है। सिमिलरली ऐसी मैं दूसरे डायगोनल को लूँगी, सिमिलरली बी डी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एक बार मैंने ए सी ले लिया, एक बार में बी डी, तो अब बी डी ले रही हूँ, तो बी डी हमारा ये रहा, तो बी डी से कौन सा एंगल बना, एंगल बी ए डी, ये रहा बी ए डी, है ना, ये वाला एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया 1 और ये हो गया हमारा 2, ठीक है। इसको भी हमें यही लिखना पड़ेगा, रीज़न एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। क्या बनाएंगे, राइट एंगल, ठीक है। तो अब हम कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ये हमारा 1 है, ये वाला, ठीक है, और ये जो अभी मैंने करा ये हमारा 2 है, ठीक। तो अब हमारे, हमने चारों एंगल ले लिए, तो हम लिखेंगे एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। देखो डी बी ए सी, चारों एंगल आ गए इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। हैंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, और यही तो हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, ठीक है।
तो मेरे को तो सबसे इजी ये लगा, मैंने ऐसे करा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।